गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आर टॉपिक इज़ सोशो कल्चरल और सोसाइटल और कल्चरल टूरिज्म इम्पैक्ट्स। सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट शुड बी ऑफ बेनिफिट टू द नीड्स ऑफ लोकल रेजिडेंट्स एज वेल एज फॉर द टूरिस्ट देमसेल्फ। सस्टेनेबल टूरिज्म क्या होता है? जिसमें हम किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, हम इको फ्रेंडली तरीके से उस टूरिज़म को पूरा कर रहे हैं। इसमें ना सिर्फ टूरिस्ट की बेनिफिट्स, डेस्टिनेशन की बेनिफिट्स होनी चाहिए, बट टूरिस्ट को अपने आप पे भी एक ऐसा बेनिफिट होना चाहिए कि वो इको फ्रेंडली, नेचर को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। सो सोशियो कल्चरल के पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, ऑन द पॉजिटिव साइड टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स टू कल्चरल रिवाइवल एंड रेनफोर्सेस प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज एंड टूरिज्म एंड ट्रेडिशन। सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट का पॉजिटिव ट्रेंड सबसे पहले ये है कि अगर हम सोशियो कल्चरल टूरिज़म पे जाते हैं, अगर हम वहाँ पे जाके किसी कल्चर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ को, उसकी हिस्ट्री को दोहरा रहे हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि हम किसी के कल्चर को जान रहे हैं, हम उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं। द बिजनेस प्रमोट ग्लोबल कम्युनिटी एज वेल एज इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। इस चीज़ से क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी एक चीज़, एक शांति बनी रहेगी, कोई भी किसी के कल्चर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सो ये अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं सोशियो कल्चरल टूरिज़म पे, देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर इंटरनेशनल लेवल आल्सो। अनदर पॉजिटिव इम्पैक्ट इज़ इट ब्रेक्स डाउन बैरियर। ये बैरियर्स को ख़त्म करता है, रुकावटें, जितनी भी रुकावटें हैं, लैंग्वेज के बैरियर्स हैं, सोशियो कल्चरल बैरियर्स हैं, सोसाइटी को लेकर, क्लास को लेकर, कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एंड रेशियल, कि हम जब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस, हर तरह के ये बांध को खोल देता है। क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे उसके कल्चर को जानने के लिए जा रहे हैं, हम उसकी लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसका कल्चर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी वहाँ पे हम खुश रह पाएंगे और उस जगह को भी खुश रख पाएंगे। देन इट ब्रॉडन्स एजुकेशन एंड कल्चरल हॉरिजॉन। ये वहाँ की एजुकेशन और कल्चरल के हॉरिजॉन्स, उनके दायरों को भी बढ़ाता है, एज वेल एज़ इम्प्रूव द फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। अपने आप में भी एक चीज़ का अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब हम किसी के कल्चर की रिस्पेक्ट करें, किसी की सोसाइटी की रिस्पेक्ट करें, डेफिनेटली हमारे अंदर भी एक हारमोनी की भावना आ जाती है। सो ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ इंक्रीज करता है और दूसरों के प्रति भी हमारे मन में भावना आती है। देन मे इनकरेज अटेम्प्ट्स टू कीप कल्चर एंड ट्रेडिशन अलाइव। ये चीज़ अगर हम सोशो कल्चरल टूरिज़म के लिए किसी जगह पे विजिट कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा अटेम्प्ट होगा जो कि इनकरेज करेगा ताकि हम कल्चर और ट्रेडिशन को ज़िंदा रखें। ट्रेडिशनल वेज एंड गुड्स मे बी रिस्टोर्ड। अब इन जो पुरानी चीज़ें हैं, हमारे हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके साथ हमारा कल्चर स्टार्ट हुआ था, हम उन चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं, उस कंट्री के लोगों को भी या उस स्टेट के लोगों को भी उन चीज़ों की याद दिला सकते हैं जो वो वहाँ पे रह रहे हैं। फेस्टिवल्स को हम और भी ज़्यादा कल्चरल बना सकते हैं, अपने बैरियर्स को ख़त्म कर सकते हैं। सो बहुत सारे हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। अनदर वन इज़ इम्प्रूव ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। जैसे कि अगर हमने अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, लेट्स सपोज कि वो बिज़नेस पर्पज़ के लिए है, बट अगर हम उस कंट्री की कल्चर को या सोसाइटी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, देन हमारा उनके साथ बिज़नेस डील्स भी अच्छी नहीं होंगी। सो ये ग्लोबलाइजेशन भी ख़त्म हो जाएगी। अगर हम टूरिज़म सोशल कल्चरल को लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली हमारा जो है वो ग्लोबलाइजेशन भी इंक्रीज़ होगा। ये एक नेशनल कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप करता है। मे इनकरेज अटेम्प्ट्स टू कीप कल्चर एंड ट्रेडिशन अलाइव, लीड मैनी ट्रेडिशंस टू द सेकेंड ब्लूमिंग। सेम एज आई टोल्ड यू कि बहुत सारे ट्रेडिशंस को ये अलाइव, ज़िंदा रखता है। अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें, तो सोशियो कल्चरल के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। वन ऑफ इट इज़ इट डिग्रेड्स द कम्युनिटी एंड सोशल एनवायरमेंट। कभी कभी ये सोशल एनवायरमेंट के लिए भी हानिकारक होता है। लाइक कुछ लोग रिलीजन को लेकर, कल्चर को लेकर या वहाँ की सभ्यता को लेकर नहीं उस चीज़ को अडेप्ट कर पाते, सो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है। टू सम एक्सटेंट इट कुड लीड्स टू द डिसअपियरेंस ऑफ
ट्रेडिशनल ह्यूमन एनवायरमेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि ट्रेडिशनल ह्यूमन एनवायरमेंट हमें गायब होता नज़र आता है इस चीज़ में, क्योंकि हम सोसाइटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, राइट। देन इट हैज़ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन लोकल कल्चर, लोकल कल्चर और वहाँ की सभ्यताओं को लेकर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव रहता है। इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स की भावना पैदा कर देते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स लाइक आपसी विवाद। सो काफ़ी सारी ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो सोशो कल्चरल टूरिज्म में हमें देखने को मिल जाते हैं। क्राइम डिसीजेज काफ़ी होते हैं, प्रॉस्टिट्यूशंस, गैम्बलिंग, अगर हम देखें तो काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ में जाकर लोग मिसयूज़ भी करते हैं कुछ चीज़ों का। सो वहाँ के कल्चर को ये उनका वो चीज़ ये ठेस भी पहुँचाते हैं। देन वी हैव अ डैमेज टू फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड सब्सिस्टेंस फूड प्रोडक्शंस, काफ़ी सारी फूड प्रोडक्शंस को भी नुकसान पहुँचता है। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल, लोकल पीपल को भी कभी कभी उनके ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट का आ जाता है कि उनको अपना लोकल जगह छोड़नी पड़ती है टू मेक वे फॉर एयरपोर्ट्स, रिजॉर्ट्स, नेचर, राइट। सो कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट उस चीज़ को पे करके ख़रीदना चाहती है, बट इन सम एक्सटेंट क्या होता है कि लोकल लोगों को नुकसान होता है, जो पुअर फैमिली से हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो जाता है। ताकि हम अपने एयरपोर्ट्स को बना सकें, अपने रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर सकें, तो कभी कभी अपने घर से भी उनको हाथ धोना पड़ता है। सो नेक्स्ट इज़ एनकरेजमेंट ऑफ बिहेवियर सच एज बैगिंग, टाउटिंग एंड अदर हरासमेंट ऑफ विजिटर्स। विजिटर्स की कई बार हरासमेंट की जाती है, कुछ लोग आपने देखा होगा कि बैगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, ठीक है, वो कभी कभी हमारे लिए उतने इफ़ेक्टिव नहीं होते, उतने हमारे लिए वो नुकसान दे जाती है कई बार चीज़, हम उसके बारे में अनअवेयर होते हैं, तो हो सकता है वो हमारे साथ कोई क्राइम ना कर दे, राइट। सो ऐसी चीज़ें हैं जब हम दूसरी कंट्री में सोशो कल्चरल टूरिज़म के लिए विजिट करें, ये चीज़ें हमारे साथ हैपन हो सकती हैं। इंक्रीज हेल्थ रिस्क, हेल्थ रिस्क का भी बढ़ जाता है, लाइक एड्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, काफ़ी सारी डिसीजेज हैं जो हम अगर अनअवेयर हैं किसी कंट्री के बारे में, तो वहाँ पे कोई किसी टाइप का डिजीज़ है, देन क्या होगा कि वो हमारे लिए भी लिमिटेशन बन जाएगी। इंक्रीज इन ड्रग अब्यूज़ एंड प्रॉस्टिट्यूशन, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक बहुत सारी स्मगलिंग्स होती हैं, ड्रग्स का डीलिंग होता है, बिकॉज ये कभी कभी हमारी कंट्री के लिए उतना नहीं हो पाता, बट लोग क्या करते हैं दूसरी कंट्री से इन चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। सो ये एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट है। ओपन एंटागोनिज्म एंड क्राइम अगेंस्ट विजिटर्स, सो क्राइम का भी बहुत खुला प्रभाव है इस पर, खुले दरवाजे हैं हम कह सकते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल वेलकम एंड हॉस्पिटैलिटी कस्टम्स, कई बारी हमारे कस्टम्स जो बिलीव्स हैं उनको भी कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो ये हमारे लिए उतनी ही बैड चीज़ है। लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, उस जगह की कल्चरल आइडेंटिटी का भी के खोने का भी खतरा है। ओवर क्राउडिंग बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ सकती है, राइट, डैमेज हो सकता है हमारी कुछ बिल्डिंग्स को जितने ज़्यादा वो टूरिस्ट वहाँ पर विजिट कर रहे हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर टूरिस्ट सस्टेनेबल तरीके से उस चीज़ को अपना रहा है, बट कुछ लोग क्या हैं अलग अलग टाइप के तरह के वो होते हैं, अपना अपना नेचर होता है, तो वहाँ जाके वो कुछ नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। टू ओवरकम द डिसएडवांटेज कॉज्ड बाय टूरिज्म टू द लोकल सोसाइटी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन टूरिज्म प्लानिंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल शुड बी एम्फेसाइज, सेम थिंग कि उनके सस्टेनेबिलिटी को नुकसान पहुँच सकता है। देन सी ट्रेडिशंस इन द लाइट ऑफ डेवलपमेंट, कीप द सेंस, डिस्कार्ड द ड्रॉस, ट्रीट कल्चरल डिफरेंसेस विद एक्सेप्टेंस, कभी कभी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो कल्चर के लिए डिफरेंसेस बन जाते हैं। एजुकेशन को लेकर कई बारी हो जाता है कि लाइक दूसरी कंट्री में कुछ लोग एजुकेशन पर्पस के लिए विजिट करते हैं, तो वहाँ पे उनका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मैनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर देयर। सो दीज वर द नेगेटिव